जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सबका एस गैंग टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी बैक मास्किंग के ऊपर, कि किस तरह से शैतान और शैतान के पुजारी मिलकर गानों और पिक्चरों के द्वारा हमारे दिमाग में बुरी बातें डालते हैं, यानी बैक मास्किंग करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो दोस्तों, उस वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाई थी पहले, उस वीडियो में बहुत से कमेंट्स थे कि BTS के पॉप म्यूज़िक जो है, कोरियन पॉप म्यूज़िक, उसके ऊपर आप हमें कुछ बताएं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ के पॉप और यानी कोरियन पॉप म्यूज़िक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि के पॉप म्यूज़िक यानी कोरियन पॉप म्यूज़िक बैक मास्किंग करते हैं या नहीं। दोस्तों, बैक मास्किंग करते हैं या नहीं, ये जानने के लिए केवल एक ही तरीका है, गानों को उल्टा करके सुनना। तो दोस्तों, आपने के पॉप म्यूज़िक का एक BTS यानी उनका एक गाना ज़रूर सुना होगा, फेक लव। तो चलिए उसको उल्टा करके सुनते हैं। मेरी प्रियो, ये तीन बार कहते हैं, मैं शैतान पे विश्वास करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, और फिर ये कहते हैं, मैं शैतान से प्यार करता हूँ। चलिए इसे एक बार स्लो मोशन में देखते हैं। मेरे प्रियो, फिर ये कहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ शैतान पे, मैं विश्वास करता हूँ शैतान और लूसीफर पे, मैं विश्वास करता हूँ। चलिए इसे भी स्लो मोशन में देखते हैं। वे कहते हैं कि शैतान परमेश्वर होगा और मैं उसको प्यार करूंगा, मैं शैतान को प्यार करता हूं, मैं शैतान पे विश्वास करता हूं, वही है, वही है, मैं शैतान से प्यार करता हूं, केवल वही है और वो ही शैतान है और उसे मैं प्यार करता हूं, प्यार करता हूं और उसे मैं विश्वास करता हूं, वही एक है, और ये दोहराते रहते हैं।
फिर वे हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं, शैतान से प्यार करो, उससे प्यार करो, लूसीफर ही वही है, उसकी सेवा करो, यह और तुम क्या शैतान को पूजोगे, वही एक है, मैं शैतान की सेवा करूँगा, मैं शैतान से प्यार करता हूँ, इसी तरह कहते हैं। वे कहते हैं शैतान से प्यार करो और वो तुम्हारा परमेश्वर बनेगा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, ये कहते रहते हैं 3 बार। और उसके बाद वे कहते हैं कि शैतान और लूसीफर दोनों पे विश्वास करता हूँ, और आगे ये कहते हैं कि शैतान ही वो है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। चलिए इसे एक बार स्लो मोशन में सुनते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए कि आप क्या देख रहे हैं, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्योंकि जैसा हम देखते हैं या सुनते हैं वैसा हम बनने लगते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ साल पहले तेरे नाम फैशन बहुत फैशन में था, तेरे नाम हेयर स्टाइल या फिर गजनी स्टाइल बहुत फैशन में था। आपने भी वैसा हेयर स्टाइल कराया होगा, यदि आपने नहीं कराया तो आपके घर के किसी सदस्य ने कराया होगा या फिर आपके किसी दोस्त ने कराया होगा। उसने क्यों कराया होगा वो स्टाइल? क्योंकि वो मूवी जो थी, वो फिल्म जो थी, उसके दिमाग में छप गई थी, वो हेयर स्टाइल उसके दिमाग में छप गया था। इसी तरह से ये गाने भी हमारे दिमाग में छप जाते हैं, हम जो पिक्चरें देखते हैं या फिर कार्टून देखते हैं वो सब हमारे दिमाग में छप जाते हैं और हम वैसा ही इंसान बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए सावधान रहिए आप क्या देखते हैं और सुनते हैं। तो इन सिंगर्स को क्या लाभ होता है? इनको ये लाभ होता है कि ये शैतान के लिए हमारे दिमागों में गलत विचार डालते हैं, उल्टा बैक मास्किंग करके गानों और फिल्मों में। और इससे क्या होता है कि हम लोग वैसा ही बुरे बनते जाते हैं और उसके बदले शैतान इन्हें ढेर सारा पैसा देता है। दोस्तों, आप ये मत भूलिए कि शैतान अभी भी इस दुनिया का राजा है। मेरे प्रियो, यदि आप मत्ती 4:9 पढ़ेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से शैतान यीशु से कहता है, यदि तू मुझे झुक के प्रणाम करेगा तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूँगा। दोस्तों, इससे हम ये जान सकते हैं कि ये पूरी पृथ्वी, ये धन दौलत रुपया सब कुछ शैतान के अंडर है, यानी उसके अधीन है।
तो दोस्तों सावधान रहिएगा। और मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये केवल बाहर के देशों के दिमागों से खाली खेलते हैं, यानी उनके दिमागों में बुरे विचार डालते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये केवल बाहर के देशों में केवल होते हैं ये शैतान के पुजारी, ऐसा नहीं है। ये पूरे दुनिया में लोगों के दिमागों के साथ खेलते हैं, यहाँ तक कि भारत में भी इनका राज है। और दोस्तों उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी दिल्ली बेली, शायद आपने देखी भी होगी। उस फिल्म में एक गाना था भाग डीके बोस, क्या आप जानते हैं इस गाने में भी बैक मास्किंग की गई है। अब वो कैसे, तो सुनिए। अगर आप इस गाने को डीके बोस अगर आप तेज तेज बोलेंगे, जैसे कि आप बोलते हैं ना कच्चा पापड़ पका पापड़ कच्चा पापड़ पका पापड़, उसी तरह से अगर आप डीके बोस तेज तेज बोलेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये एक बहुत ही बुरी गाली है। ये गाली मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा अभी यूट्यूब पर, लेकिन अगर आप इसको खुद ब खुद अगर बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी गंदी गाली है। तो दोस्तों इस गाने को इस तरह से, इसके लिरिक्स को इस तरह से फिट बिठाया गया है कि लोगों के दिमाग में गाली छप जाए। इसी की वजह से और इसी तरह के और गानों और फिल्मों की वजह से आज देखिए लोग खुलेआम गाली देते हैं माँ की, बहन की, जो कि बाइबल के अनुसार गलत है। बाइबल में बताया गया है कि हमारे जीभ के अनुसार, मतलब जिस तरह से हम बोलते हैं उसी से हमारा इंसाफ किया जाएगा। तो आप सोचिए किस तरह से ये शैतान के जो पुजारी हैं ये लोगों को गलत रास्ते पे गलत बोलने में मजबूर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपके पूरे परिवार को आशीष दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और जितना हो सके मैं आपसे विनती करता हूँ कि पिक्चरों और गानों से अलग रहिए, और हो सके तो प्रभु के गाने सुनिए, प्रभु के पिक्चरें देखिए, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर हैं। यदि नहीं जानते तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूँगा बहुत सारे अच्छे पिक्चरों के नाम, क्रिश्चियन पिक्चर के नाम। और मिलते हैं अगले वीडियो में। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।